MBBS कर रही शहनाज खान ने सरपंच का चुनाव जीतकर एक नई इबारत रच दी है। भरतपुर जिले की कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गड्ढा जान में 5 मार्च का सरपंच पद का चुनाव पूर्व संसदीय सचिव जाहिदा खान की बेटी शहनाज खान ने जीता है। 24 साल की शहनाज खान ने चुनाव में ऋषभ खान का 195 मताएं से पराजित किया। शहनाज यूपी के मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही है। शहनाज खान का कहना है, उनके सरपंच बनने से समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता भी आएगी। शहनाज जिस मुस्लिम मेव समुदाय से आती हैं, वहां तो लड़कियों की हालत बहुत दयनीय है। इस क्षेत्र में लड़कियों का स्कूल तक नहीं भेजा जाता। शहनाज अपने गांव की सबसे युवा सरपंच बन गई हैं। उनके गांव में किसी भी लड़की ने इतनी पढ़ाई नहीं की। शहनाज ने कहा कि मेवात में लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं। मैं लड़कियों की शिक्षा पर काम करना चाहती हूँ और उन सभी अभिभावकों को अपना उदाहरण दूंगी जो बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते। राजस्थान में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है, लेकिन उनके दादा हनीफ खान को कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर चुनाव लड़ने के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया था। शहनाज का पूरा परिवार राजनीति में ही है। उनके दादा कई बार गाँव के सरपंच रहे, पिता भी कामा के प्रधान रह चुके हैं, माँ राजस्थान से विधायक, मंत्री और संसदीय सचिव रही हैं। शहनाज के सरपंच बनने के बाद वो परिवार की चौथी पीढ़ी हैं, जिसने राजनीति में कदम रखा है।